आपको पता है, दो प्रकार के शोर होते हैं। एक शोर होता है बाहर, और दूसरा शोर होता है, दूसरा शोर कहाँ होता है, एक होता है बाहर और दूसरा शोर होता है अंदर। जब बाहर शोर होता है तो इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि बाहर बहुत शोर है। लेकिन जब अंदर शोर होता है तो सुनाई देता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि अंदर इतना शोर है। तो बाहर का शोर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर मन की स्थिति कैसी रहे, ये कंप्लीटली हमारे हाथ में है। लेकिन हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना तो असंभव है, और हमने अपने मन का कंट्रोल औरों को दे दिया है। आज के सारा दिन को चेक कर लेते हैं, चाहे थोड़ा सा इरिटेट सा हुआ, चाहे थोड़ा सा कुछ बुरा लगा, चाहे थोड़ा सा चिंता हुई, या थोड़ा सा नाराजगी आई, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मन आज हिला, हिला मतलब थोड़ा सा हलचल में आया, तो उस क्षण मैंने उस हलचल का जिम्मेवार किसको ठहराया कि मैं डिस्टर्ब हुई किसकी वजह से? तो हमारी उंगली किसके पास जाती है? और फिर मेरा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके लिए भी हम उंगली किस पर रखते हैं? आप बदलो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं बहुत समय से, तो यहां पर शांत होने की बजाय शोर बढ़ता जा रहा है। शोर मतलब मन ज्यादा सोचता है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, सोचता है, सोचना बंद नहीं करता। बंद तो ना करे, लेकिन कम तो करे ना, क्योंकि जब ज्यादा सोचता है तो थक जाता है, और जब मन ज्यादा सोचता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आज जब हम अपने भाग्य को चेक करें, किसको कहा जाएगा कि वो भाग्यशाली है, जिसका मन, तन, संबंध और धन, चार ही तो चीजें चाहिए ना, सारी चीजें चाहिए, लेकिन उस सब की शुरुआत कहां से होगी? मन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज एक पक्की करते हैं जीवन भर के लिए, क्योंकि आज तो मेरा भाग्य है कि मैं विद्यानगर में आई हूं, विद्या की नगरी है ना। आते ही सच में आपके लिए तो ये रोज का वाइब्रेशन है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोई दूसरे शहर से आता है ना, तो आते ही वो वाइब्रेशन में चेंज पता चलता है, वो सात्विकता, वो सादगी, वो प्यार, वो अपनापन, वो सिर्फ यहां नहीं रहता, जो यहां होता है वो फैल जाता है वातावरण के अंदर, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इसलिए जैसे हम विद्या अर्थात पढ़ाई को कहते हैं, लेकिन विद्या पढ़ाई किस चीज की? तो आज दुनिया ज्यादातर फोकस करती है बाहर की दुनिया की पढ़ाई की, और जब बाहर की दुनिया की बात आती है, हमें सब कुछ पता है, सिर्फ इस सृष्टि पर क्या हो रहा है वो नहीं पता, दूसरे ग्रहों पर क्या हो रहा है वो भी पता है, समुद्र की गहराई में क्या हो रहा है वो भी पता है, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है, अपने मन में क्या चल रहा है? हम एक बटन से सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना भी कोशिश करो इसको नहीं चुप करा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बाहर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और जो अपना है वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है? उसका कारण सिर्फ एक है, बाहर मेहनत की तो सब कुछ पा लिया, थोड़ा सा यहां करेंगे तो यहां भी पा लेंगे। ज्यादा आसान कौन है, बाहर की दुनिया को संभालना या अपने मन को संभालना, कौन सा ज्यादा आसान होगा?
कौन सा ज्यादा आसान होगा, कौन सा ज्यादा आसान होगा? ओह ये तो आपने बताना है कौन सा ज्यादा आसान है, बाहर के बड़े बड़े काम करना आसान है या अपने मन को संभालना आसान है? आप में से कोई आज डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई जूरिस्ट है, कोई बिजनेस है, मोस्टली हर एक एक पेरेंट है। हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, ये हॉल देखो किसी के मन ने बनाया ना, ये हॉल ये किसी के मन ने बनाया ना, ये हॉल तुमने कितने बड़े 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 काम कर दिए। और इतने बड़े काम करने के बाद हम कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपने मन को कहें कि ऐसा नहीं सोचना, तो क्या वो आपको कहना मानता है? मानता है या नहीं? किस किस को लगता है मेरा मन मेरी हर बात मानता है? ओहो क्या हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा किस किस को लगता है कभी कभी मानता है कभी कभी नहीं मानता है? हाँ वेरी गुड, फिर ठीक है। और किसको लगता है ज्यादातर नहीं मानता है? और कौन कौन ऐसा मन चाहता है जो हमेशा हर बात माने? अच्छा, ऐसा मन चाहिए जो हमेशा मेरी बात माने। आप देखो दूसरों का मन हमारी बात मानता है। आप किसी को कहें ऐसा करो तो वो तुरंत कर देते हैं। आप उनको कहो नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वो तुरंत कर देते हैं। तो कौन सुन रहा है? उनका मन सुन रहा है ना, कान थोड़ी सुन रहे हैं। कान तो सिर्फ एक साधन है, कहना कौन मान रहा है? उनका मन मान रहा है। उनका मन हमारा कहना मानता है। हमें कोई कुछ कहे हम मान लेते हैं, मतलब हम दूसरों का कहना मानते हैं, दूसरे हमारा कहना मानते हैं, सिर्फ हम खुद खुद का कहना नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि खुद के साथ तो कभी बैठकर समय बिताया ही नहीं, रिश्ता बनाया ही नहीं। तो रिश्ता बनाया ही नहीं तो वो रिश्ता निभाएगा क्यों? दूसरों के साथ बातें करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरे दर्द में हो तो उनके साथ समय बिताते हैं। सपोज कभी आपका मूड खराब हो जाए कोई बात से, ठीक है, अब मूड खराब हो गया तो मन कुछ 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 बोलने शुरू करता है, वो ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, शोर मचने लगता है यहां पर अंदर। अब मुझे चाहिए कि मेरा मूड ठीक हो जाए तो मैं किसी और से बात करने जाती हूं। दूसरों को सुनाते हैं, फिर सामने वाला कहता है कोई बात नहीं ना, उसने बोल दिया, तुमको तो पता है तुम कितने अच्छे हो, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा हाँ मैं अच्छा हूं ना, हाँ। ये वैलिडेशन मुझे किससे चाहिए? और जैसे ही वो मुझे ऐसा कहते हैं मेरा मूड ठीक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड खराब भी किसने किया? किसी और ने। ठीक भी कौन करेगा? कोई और। तो मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास? दूसरों के पास। कम से कम विद्या की नगरी में तो हम ऐसा ना बोलें कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास। अच्छा अगर मेरे मन का कंट्रोल दूसरों के पास है भी रिमोट कंट्रोल, तो भी कितने लोगों के पास, अर्थात कितने लोगों का व्यवहार, कितने लोगों की कोई बात मेरे मन को या तो उधर ले जाती है या मेरे मन को इधर ले आती है, कितने लोगों का मुझ पर असर पड़ता होगा? गिनो अपने जीवन में, गिनो, एक मिनट आंख बंद करो, चेक करो सारा दिन में कितने लोगों का व्यवहार मेरे मन को या तो बहुत अच्छा फील कराता है या तो थोड़ा सा डाउन लेकर जाता है। मतलब रिमोट कंट्रोल उनके पास है। रिमोट कंट्रोल का मतलब ये नहीं सारा दिन डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा बहुत फील होता है, वो एक बटन दबाते हैं हम इतना अच्छा फील करते हैं। कोई एक बार कह दे आप इतने अच्छे लग रहे हो आज, ओ यहां पहुंच जाएंगे, तो रिमोट कंट्रोल तो उनके पास है ना। और थोड़ी देर के बाद वो कह दे अच्छे तो लग रहे हो पर वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे आपसे, तो नीचे हो जाएंगे। एक मिनट में वो आपको कहें
आज आपने जो सब्जी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, मन ऊपर चला जाएगा। अगले मिनट में कहे अच्छी तो बहुत बनाई है लेकिन मेरी मम्मी की इससे भी ज्यादा अच्छी बनती थी, तो नीचे चला जाएगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और कोई भी चीज अगर ऐसे 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 होती रहती है तो वो माइंड क्या होने लगता है, थकने लगता है, थकने लगता है। तो ये भी एक ज्ञान है, जैसे बाह्य जगत का ज्ञान है वैसे आंतरिक जगत का भी ज्ञान है। एक बहुत बड़े भ्रम में हम जी रहे हैं और वो सबसे बड़ा भ्रम ये है कि मेरी सोच परिस्थिति और लोगों के व्यवहार की वजह से बनती है। किसी ने मुझे वो राइट इक्वेशन नहीं सिखाई। एक मिनट आंख बंद करना और अपने आप से क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चन बताऊंगी आप आंसर देना। अपने आंख बंद करो, आसपास नहीं देखना, स्क्रीन भी नहीं देखना, और इसको फील करो। सारा दिन जो मेरे अंदर सोच चलती है, फीलिंग्स, भावनाएं, कितनी सारी, एक दिन में हजारों सोच क्रिएट होती है, संकल्प, थॉट्स क्रिएट होते हैं। ये जो सारा दिन मेरी सोच चलती है, इसका क्रिएटर कौन, रचयिता कौन है? एक एक थॉट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसका क्रिएटर कौन है? क्या इस सोच का क्रिएटर मैं हूं या ये संकल्प का क्रिएटर दुनिया है? दुनिया मतलब कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई लोग, कोई मौसम, कुछ भी। फील करना, सब क्या बोलते हैं वो नहीं सोचना, खुद के लिए फील करो कि यहाँ जो थॉट्स चलती रहती हैं सारा दिन, इवन हम सुबह उठे, मेरा पहला संकल्प, फिर घड़ी देखी, मेरा दूसरा संकल्प, फोन देखा, कोई मैसेज आया था, मेरा तीसरा संकल्प, थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, कितनी थॉट्स चलते हैं। ये थॉट कौन क्रिएट करता है, हम क्रिएट कर रहे हैं या बातें हमारे अंदर की थॉट्स क्रिएट कर रही हैं? कौन है इस मन का मालिक? ओके, अब तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है कि ये सोच कौन क्रिएट करता है। एक ऑप्शन है हर सोच मैं क्रिएट करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है जो हो रहा है मेरे चारों तरफ उसकी वजह से सोच बनती है। और तीसरा ऑप्शन है कभी मैं कभी बातें। तीनों में से कौन से ऑप्शन में हाथ उठाना है? पहला ऑप्शन, मेरी हर थॉट मैं क्रिएट करती हूँ। ओके, दूसरा ऑप्शन, मेरी हर थॉट जो हो रहा है उसकी वजह से बनती है। ओके, तीसरा ऑप्शन, मेरी कुछ थॉट्स मेरी वजह से और कुछ थॉट्स दुनिया की वजह से बनती है। और जिसने तीनों में हाथ नहीं उठाया, अब वो हाथ उठाओ। आपको क्या लगता है आपकी थॉट्स कौन बनाता है? अच्छा, कोई भी एक सिचुएशन सामने लेकर आइए। आज, पिछले हफ्ते में किसी ने कुछ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, और जब आपको अच्छा नहीं लगा आपने रिएक्ट किया। ठीक है, लेकर आओ उस सीन को सामने। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा आज में, पूरे हफ्ते में, पिछले महीने में कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया और मैंने रिएक्ट किया। वो रिएक्शन शब्दों का हो सकता है, वो रिएक्शन व्यवहार में आ सकता है, या कभी कभी यहां से कुछ नहीं बोला, बस मन में रोया, बुरा लगा कुछ बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको देखिएगा उन्होंने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। लेफ्ट हैंड पे वो, उन्होंने जो किया, राइट हैंड पे मैंने कैसे रिएक्ट किया। अब इसको करना, अगर वही बात कल सुबह फिर से आती है, अगर वही बात कल सुबह फिर से आती है, क्या मेरे पास ऑप्शन है उसी बात को
एक अलग तरह से फेस करने का। उस दिन तो रिएक्शन हो गया, फाइन, इट्स ओवर, खत्म हुआ। लेकिन वो बात कल फिर से आ सकती है। अगर वो बात कल फिर से आती है, क्या मैं उसी बात का, उसी गलती का एक अलग तरह से उसका सामना कर सकती हूं? किस किस को लगता है? हाँ, किस किस को लगता है ना कल भी वैसे ही रिएक्ट करना है? अब अगर हमने इस बात में हाथ उठाया कि उस दिन वो बात आई, मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, कल अगर वो बात आएगी तो मैं अलग तरह से उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, इसका मतलब बात तो वही रही, बात तो बदली नहीं, बात तो वही रही, लेकिन मैं उसको एक अलग तरह से सामना कर सकती हूं, इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? बोलिए, किसके पास है? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलो मैं। इसमें मैं बोलना बहुत अच्छा होता है। कई कई चीजें होती हैं जहां मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई चीजें होती हैं जहां मैं बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पावर किसके पास है? मेरे पास। अब ये सोचते हैं, उन्होंने तो जो किया वो किया, लेकिन जब मैंने रिएक्ट किया तो किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ। क्या मेरा नुकसान हुआ? पहले तो मेरे मन की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, वन, पहला नुकसान। दूसरा, जो हलचल मेरे मन पे चली उसका प्रभाव किस पर पड़ा? मेरे शरीर पर पड़ा, मेरा दूसरा नुकसान। तीसरा, वो तो अपनी गलती करके चले गए, मेरा मन तीसरी चीज पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा था क्योंकि वो ही वाली थॉट्स मेरे साथ चलती जा रही थी, मेरा तीसरा नुकसान। चौथा, वो जो मेरा रिएक्शन था ना, वो मुझ आत्मा के ऊपर छप गया, वो मेरा कर्म बना है उस परिस्थिति के अंदर। बात आई, जो बात आई, जिसने जो गलती की, वो गलती किसका कर्म थी? उनका। मेरा रिएक्शन किसका कर्म था? मेरा। उनकी गलती उनका कर्म, उनका कर्म उनका भाग्य। मेरा रिएक्शन मेरा कर्म, और मेरा कर्म मेरा भाग्य।